कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी में किसान मेला और किसान गोष्ठी थी, जिसमें बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, जिसमें से एक स्टॉल अजीत कुमार जी ने लगाया है, जो मधुमक्खी पालक कृषक हैं और इन्होंने मधुमक्खी पर एक ऐसा काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है, जो शायद ही कोई देश में कर रहा हो। और इन्होंने क्या किया है, रानी मधुमक्खी का ब्रीडिंग किया है, रानी मधुमक्खी बना रहे हैं और मधुमक्खी में आई आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन कैसे कर रहे हैं, ये बी पॉलन तैयार कर रहे हैं, शहद तैयार कर रहे हैं, बहुत सारी जानकारी इनके पास है। हम अनुरोध करेंगे श्री अजीत कुमार जी से कि वो बताएं कैसे क्या कर रहे हैं। श्री अजीत कुमार जी। ठीक है सर, थैंक यू। हम लोग क्या है कि मधुमक्खी पालन में शहद का उत्पादन करते हैं मुख्य रूप से, और हम लोग शहद के साथ साथ अब बी पोलन का भी उत्पादन करने लगे हैं, जो हाईली प्रोटीन है। ऑनलाइन ये 5,000 रुपये से लेकर 9,000 रुपये किलो बिकता है, हाईली प्रोटीन है ये। आधा चम्मच ही आप इसको खाइए, अगर आपको भूख नहीं लगती है, कभी कभी क्या होता खाने का मन नहीं करता, तो आधा चम्मच अगर आप इसको खा लेंगे तो एनर्जी आप खाली भोजन के बराबर ही मिल जाएगी। ये एक मेरा हो गया। दूसरा है कि इसके साथ साथ बी प्रोपोलिस का भी उत्पादन करते हैं, जो मेडिकल रॉ मटेरियल है, वो लोग उसको लेकर के उसमें जो है अपनी इंजेक्शन वगैरह बनाते हैं, तो हम लोग बी प्रोपोलिस का भी उत्पादन करते हैं। लेकिन मैं इसमें क्या है कि रानी मधुमक्खी में आर्टिफिशियल एआई करता हूँ, इंसेमिनेशन करता हूँ, तो इसके लिए मेरे पास ट्रिपल लेयर सिलेक्शन की थ्योरी है, जो मेरे द्वारा बनाई गई है, और इसका पेटेंट भी मैंने ले लिया है। इसमें क्या करता हूँ कि मैं पहले सेल बनाता हूँ, ये सिलेक्टेड लार्वा डोनर बॉक्स से लिया गया हमारा सेल है, और इसमें हम रानी के ब्रूड के पैटर्न को देखते हैं कि कैसा ब्रूड पैटर्न है, तो वहाँ से हमने सेल बिल्ड करवा लिया। एक अलग बॉक्स से हम लोग क्या है कि लार्वा लेते हैं और उसको हम लोग इसमें ग्राफ्ट करके इसको तैयार कर लेते हैं, एक अच्छे क्वालिटी के बिहेवियर जिस रानी मधुमक्खी की हो, उस बॉक्स से हम इसको तैयार करवा लेते हैं। फिर हम सीमन भी क्या करते हैं लोग, जैसे पशुओं में एआई होता है तो सीमन जो है उत्पादक इकाई अलग होती है, फिर उसको डॉक्टर लेकर के आते हैं, फिर उसका एआई करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, मेरा तीनों चरण ही मुझे पूरे करने हैं। यहाँ पे आप जो व्हाइट देख रहे हैं ये म्यूकस है, और जो क्रीमी कलर का देख रहे हैं ये सीमन है, इसको मैं ही हार्वेस्ट करके इसको निकालता हूँ, ये मेरी ही लैब में होता है। उसके बाद में रानी निकल जाने के बाद ये हमारा प्रिजर्वेटर है, यहाँ पर हम लोग क्वीन को प्रिजर्व करते हैं। इसमें से 7 दिन के बाद जब हमारी रानी सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है, उसके बाद हमारा जो है ये लैब में आता है। यहाँ पे हम लोग रानी के वजाइनल ऑर्डक्ट में सीमन को जो है हम लोग इंसेमिनेट करते हैं अपने सीमन ऑपरेटर के द्वारा। वहाँ पर जब रानी हमारी इंसेमिनेट हो जाती है, फिर हम उसको वापस ले आते हैं अपने प्रिजर्वेटर में। इसमें हमारे चैम्बर अलग अलग बने हुए हैं, उसमें हम करीब 4-5 दिन रखते हैं, जो हमारी रानी धीरे धीरे जो है गर्भधारण कर लेती है, एक तरीके से मेट हो जाती है। मेट हुई क्वीन को हम अपने बॉक्स में इंस्टॉल कर देते हैं, 100% इंस्टॉलेशन की मेरी एक थ्योरी है, तो उसमें हम लोग रानी मधुमक्खी के अपने बॉक्स में कर देते हैं। आप यहाँ जैसे देख पा रहे हो इस तरीके से, इसमें रानी मधुमक्खियाँ मेट होकर के कैद हो चुकी हैं। इसको हम सेल के लिए अपने अदर मधुमक्खी पालक के लिए, जैसे हमारे मधुमक्खी पालक यहाँ आए हुए हैं, अगर ये लोग हमको बोलते हैं कि हमको रानी चाहिए, तो हम लोग इनको रानी दे देते हैं, या फिर हमारे पास 2,000+ मधुमक्खी के बॉक्स हैं, तो अपने बक्से में हम लोग मधुमक्खी का प्रयोग कर लेते हैं। अब इस रानी में क्या है कि जो हमारा ट्रिपल लेयर सिलेक्शन है, उस सिलेक्शन में हम इस बात का ध्यान देते हैं कि कौन सा हमारा बक्सा है। जैसे हमने आपको नंबर दिखाया, ये हमारे नंबर हैं, इसमें रानी मधुमक्खी के पीठ पर हम इसको चिपका देते हैं। इससे होता ये है कि हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारी कौन सी रानी मधुमक्खी का क्या उत्पादन रहा है, तो इससे हम लोग वो रिकॉर्ड रखते हैं। जैसे गाय की कान में टैग लगा दिया जाता है, उसी तरीके से हम लोग रानी मधुमक्खी की पीठ पे ये टैग लगा देते हैं, ताकि इसकी रिकॉर्ड को हम लोग रख सकें कि आने वाले समय में इसका उत्पादन क्या होगा, या अगर उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, बहुत काटती है, तो हम रिजेक्ट कर देते हैं कि इसकी ब्रीड को हम आगे नहीं ले जाएंगे। अगर अच्छा उत्पादन है तो हम उस पे जो है ग्रीन जो है टिक लगा देते हैं मधुमक्खी के बॉक्स पे कि ये ब्रीडिंग के लिए बहुत ही अच्छा बॉक्स है। इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो क्या है, हम लोग जो सामान्य मधुमक्खी का बॉक्स है, उससे हम लोग अभी 30% तक के उत्पादन को आगे ले जा चुके हैं। लेकिन ये जैसे जैसे हमारी जनरेशन आगे बढ़ती जाएगी, उत्पादन हमारा और अधिक बढ़ता जाएगा। अनुमान है कि हम लोग कम से कम इस 70 से 75 किलो के अपने एवरेज को हम लोग प्राप्त कर लेंगे। एक बॉक्स से 75 kg एक सीजन के अपने जो है हमारा रेशियो जो था, हम उसको धीरे धीरे अचीव करेंगे। लेकिन अभी आप एक मिनट हम रोकना चाहेंगे, अभी आप इनब्रीडिंग की बात कर रहे हैं। हाँ, उसके दुष्परिणाम क्या है? इनब्रीडिंग क्या है,